आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ने मंगलवार को ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन सीजन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी और अभिनेता अमन वर्मा ने शिरकत कर महिला स्पर्धकों का उत्साहवर्धन किया। इस शो के मुख्य अतिथि के रूप में BCN न्यूज व हिंदी दैनिक नागपुर मेट्रो समाचार की निर्देशक एवं मिसेस महाराष्ट्र 2022 जोया शेख उपस्थित थे। मेजेंटा आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट द्वारा सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन सीजन 2022 का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सेलिब्रिटी जूरी बॉलीवुड दीवा महिमा चौधरी और सेलिब्रिटी होस्ट अमन वर्मा थे। आयोजक मोनिका का यह उद्देश्य था कि प्रत्येक महिला को प्रोत्साहित करना है जो बड़ा सपना देखती है और मध्य भारत नागपुर में एक मंच प्रदान करती है जहाँ वे अपने छिपी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती है। पूरे भारत से इस प्रतियोगिता में 18 प्रतिभागी शामिल हुए थे जो ऑडिशन के बाद क्वालिफाई किए गए। यह कार्यक्रम नागपुर में 3 दिनों तक चला था और इसमें टैलेंट राउंड, फिटनेस राउंड, फोटोशूट, पर्सनल इंटरव्यू और रैंप वॉक जैसे कई गतिविधियां शामिल की गई थी। यह एकमात्र कार्यक्रम है जिसे नागपुर में भव्य सफलता और भारी प्रतिक्रिया के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें मिस इंडिया कैटेगरी में देवांशी थर्ड रनर अप रही तो सेकंड रनर अप सिमरन और फर्स्ट रनर अप शिखा थी। मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2022 की विनर अश्विनी सहारे बनी है तो मिसेस कैटेगरी में नंदिनी नवरकर थर्ड रनर अप रही, निधि रावत सेकंड रनर अप रही तो गुरुनाक्षी भोसले फर्स्ट रनर अप रही। मिस और मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 22 की मिसेस कैटेगरी से श्वेता देशमुख विनर रही है। रनर अप और विनर्स को मुख्य अतिथि जोया शेख इनके हाथों क्राउन पहना कर सम्मानित किया गया। वुमन एम्पावरमेंट के लिए ये कहना चाहूंगी, वुमन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण है ना, तो महिलाओं के लिए ये स्टेज है मिस एंड मिसेस इंडिया का पेजेंट, यू नो दीवा पेजेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडीज ने, हर लड़कियों ने, हर मतलब औरतों ने सामने आकर अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने चाहिए, है ना। तो ये इतना बड़ा पेजेंट है, मोनिका जैन ने ये शो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं मोनिका को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उसने मुझे इस शो को अटेंड करने के लिए एज एन चीफ गेस्ट मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और एक क्राउनिंग सेरेमनी का मुझे उसने चांस दिया। और बाकी तो औरतों को बिल्कुल अपने हर मुकाम के लिए लड़ना चाहिए और उसने आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस टाइप के जो भी पेजेंट होते हैं और लाइक मिसेस इंडिया हो गया, मिसेस महाराष्ट्र हो गया, मिसेस यूनिवर्स हो गया, ऑल काइंड ऑफ मतलब जितने भी टाइप के पेजेंट होते हैं सब में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि फैमिली की वजह से नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चों की वजह से नहीं कर पाते हैं, बट ठीक है, एक टाइम के बाद इंसान ने इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि हर इंसान को एक वक्त मिलता है, एक टाइम ऐसा मिलता है कि आपको लाइफ में सक्सेस होना है। वो एक बोलते हैं ना, अपना एक ग्रह चलता है, तो वो एक ग्रह चलता है हर किसी का, तो बस आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ अब मेरा टाइम आ गया है, अब मुझे इसे करना है। मेरा वस्त्र तो मैं तो 100% वुमन्स को दूँ। यस बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को अपना वो जुनून समझ में आना चाहिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और हर औरत ने घर के बाहर निकल के कुछ भी काम करो, कोई भी छोटा मोटा काम करो, लेकिन करो। और मेरे ऑफिस की बात और मेरे एनवायरनमेंट की बात, तो मैं तो चाहूँगी कि मेरे आसपास मेरा एक मैनेजर से लेकर, मेरा असिस्टेंट मैनेजर से लेकर हर एम्प्लॉय एक वुमन होना चाहिए। ओके, मिस और मिसेस जो अभी बने हैं उनको मैं फर्स्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, सभी ने बहुत मेहनत किया है। मैंने उनका जो 2-3 दिन से जो शो चल रहा है मैंने वो भी देखा है, तो उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया है और मैं चाहती हूँ ऐसे ही औरतों ने हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वो सारी लेडीज जो आज इस शो में आई थी मिस और मिसेस इंडिया के लिए, उन्होंने आगे मतलब और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि मतलब कोई हेल्दी होता है, कोई दुबला होता है, कोई पतला होता है, कोई मतलब किसी एक्सीडेंट में किसी का फेस ख़राब हो जाता है, कुछ फेस इज़ नॉट मैटर। मेरा ये बोलना है कि फेस कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको अपने लिए स्टैंड होना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अपने अंदर के डर को निकालना है। अपने अंदर के आप डर को निकालोगे तो डेफिनेटली आज ये जितनी खूबसूरत मेरे ख्याल से कुछ 8 लोग हैं
जो लोग विनर और रनर बने हैं, तो उन सबको मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो किया है बहुत अच्छा किया है और आप लोग अप्रिशिएट करने लायक हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आपने अपना बेस्ट टू बेस्ट दिया। मिस एंड मिसेज इंडिया क्वीन 2022 का जहाँ पे जो है ग्रैंड फिनाले हुआ है, हम मोनिका है उनसे जानेंगे कि इस तरह का बड़ा इवेंट, जो बिग इवेंट जो है ग्रैंड फिनाले का, आज हमने नागपुर में किया है, दो बड़े गेस्ट एंड होस्ट यहाँ पे थे, क्या बताओगे आज के शो के बारे में और जो विनर हुए उन्हें क्या कहना चाहोगे? वेल थैंक यू। सी मेरा ये एक सपना है, क्वीन ऑफ नेशन ये एक सपना है, एक हर लड़की देखती है और मैं उनके सपनों को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं हर साल कुछ बेहतर करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर हमने सेलिब्रिटी बॉलीवुड से लाई थी, इस साल हमने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ में सेलिब्रिटी होस्ट भी लाया। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नागपुर कुछ नया देखे, यू नो, कुछ नया फॉर्मेट देखे, कुछ नए राउंड्स देखे और एक्सपीरियंस करे एक ट्रू ब्यूटी पेजेंट क्या होता है। ओके, सो मैं खुश हूँ कि ये पैजेंट बहुत अच्छा हुआ और अमन वर्मा सर ने पूरे शो को इतना बहुत मतलब यादगार बना दिया, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक महिमा चौधरी मैम एंड अमन वर्मा सर टू कम टू माय इवेंट एंड मेक इट मोर सक्सेसफुल दिस ईयर। बना दिया है सच्ची यादगार और बहुत ही अच्छा था। क्या बताओगे, आपने इतने सुंदर सुंदर चेहरे जो है यहाँ पे आज मेकअप किया है, क्या बताओगे? नमस्ते, मैं मेघा कपूर रमेश सर। मेकअप की बात बोले तो सब बढ़िया लग रही है, आज बहुत खुशी हो रही है सबको देख के। पूरे स्टाफ ने, पूरे मास्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम दिया है, सो आई एम आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और जोया मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे पोक किया कि मेघा जी आप कर सकते हैं, आप कीजिए, सो थैंक यू। तो हुआ है कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।